हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपको सैलेड की रेसिपी बता रही हूँ, ऐसी रेसिपी आपने आज तक नहीं अपनाई होगी, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना और मैं जैसा बताती हूँ वैसा एक बार ये सलाद बनाकर जरूर खाना। सर्दियों का स्पेशल सलाद है, तो देखिए इतनी सारी हम चीज़ें काम में लेंगे और पूरे वीडियो तक एंड तक बने रहें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, आपके साथ साथ और भी लोग इसका लुफ्त उठा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सब चीज़ें इतनी सारी मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इनको कैसे कट करते हैं और उसके बाद में हम सैलेड बनाते हैं। तो देखिए, मैंने मेथी लिया, मेथी को एकदम धो लिया है, साफ़ कर लिया, बारीक कट कर लिया है, साथ में मैंने हरा धनिया भी लिया है, ये आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में देखिए मैंने ये लिया है मूली, जो सर्दियों में स्पेशल आती है, और ये मैंने बारीक कट कर दिए हैं। टोमेटो आप कम ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, अभी मैंने सब एक एक बाउल लिए हैं। और ये मैंने खीरा ककड़ी ये भी ली है, और सभी को एकदम बारीक कट करना, वॉश करके अच्छे से धो के। और साथ में मैंने ये मोगरी ली है, मोगरी भी है ना सर्दियों में बहुत स्पेशल आती है, आलू मोगरी की सब्जी बनाते हैं, मेथी मोगरी बनाते हैं और ये सैलेड में भी काम में लेते हैं। तो साथ में मैंने ली है पत्ता गोभी, केबेज, सभी को धो के अच्छे से बारीक कट कर लिया है। और हमने अदरक भी लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कब हम यूज़ करेंगे। साथ में एक बारीक मिर्ची भी हम कट कर लेंगे और नींबू का फ्लेवर ज़रूर लेना है फ्रेंड्स, नींबू का रस डालेंगे, उसी से हमारे ये सैलेड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और साथ में आप जरूर अनारदाने का भी प्रयोग जरूर करें। अब देखिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने अंगारी को जला के पत्ता गोभी के आप किसी के ऊपर भी, जैसे खीरा ककड़ी उसके ऊपर रख दीजिए, और इस पर मैंने थोड़ा सा एक दो बूंद घी के डाल दिए हैं। अब इसमें से देखिए एकदम धुआं सा उठ गया है, मैंने ढक दिया है, और इससे क्या होगा कि इस जो हमने बर्तन लिया ना इसके अंदर बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा, अंगारी का टेस्ट आ जाएगा स्मोकी। यह इसको हमारे मारवाड़ी में इसको फूल वगारी बोलते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब साथ में देखिए, अब मैंने उसको बाहर निकाल दिया, 2 मिनट इसको ढक के रखा ताकि उसकी खुशबू अच्छे से हो जाए। और आप चाहे तो ये सब बनाने के बाद में भी इसके ऊपर से भी इस टाइप से कर सकते हैं, बट वो फिर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए हम पहले से हल्का सा फ्लेवर लेते हैं। अब देखिए जितने भी हमने सैलेड कट करके रखे हैं ना, जो भी चीज़ें हमने कट करके रखी वो सारे एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। मैंने पत्ता गोभी डाल दी है, खीरा ककड़ी, मूली, मोगरी और साथ में टमाटर, ये सब देखिए देसी टमाटर लीजिए, एकदम खट्टे मीठे टेस्ट वाले आते हैं, बहुत ये सैलेड बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक बार आप ज़रूर बनाना और ये बार बार बना के आप खाएंगे। साथ में आप गाजर का भी प्रयोग कीजिए, और मैंने मेथी और हरा धनिया भी डाल दिया। अब देखिए हरी मिर्ची को हम एकदम बारीक कट कर देंगे। अब देखिए अभी मेरे पास इसमें गाजर का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही के अंदर आपको मैंने बताया अनारदाने भी जरूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए मैंने थोड़ा अदरक क्रश कर दिया है, और आप चाहे तो थोड़ी कच्ची हल्दी होती है ना वो भी इसमें थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं, और साथ में नींबू का रस डाल दीजिए। और इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, साथ में थोड़ा काली मिर्ची पाउडर डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, और बाकी हम इसमें जलजीरा डालेंगे, और देखिए पिसा जो हमने ये जीरा होता है ना सेका हुआ वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में इसको मिक्स करके और खाइए, इसका स्वाद इतना बढ़ जाता है फ्रेंड्स, आप ऐसा आपने अभी तक नहीं बनाया होगा। अब देखिए इस टाइप से हमने इसके ऊपर पुदीना जरूर डालिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें सब बारीक कट कर करके डालिए तो उसका टेस्ट और बढ़ता रहेगा। अब देखिए इस टाइप से हमने ये जलजीरा भी डाल दिया है, तो इतनी सारी हम चीज़ें डालेंगे, और साथ में देखिए कच्चा जीरा होता है ना उसको भी हाथों से क्रश करके रब करके डालिए, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है। अब देखिए सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें चाट मसाले का प्रयोग कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ चाट मसाले की जगह नॉर्मली जलजीरा डाला है, जलजीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और काली मिर्ची का पाउडर डाल देना फ्रेंड्स, वो भी एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है मोटा दरदरा हुआ ना तो गले में खराश जैसे हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे। और तो देखिए इस टाइप से हमने ये सैलेड बना के तैयार कर दिया है, अब हम सैलेड को सर्व करते हैं। तो ये हमने स्मोकी सैलेड जो एकदम टेस्ट वाला होता है, देसी अंगारे वाला, ये हमने सलाद बना के तैयार किया। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लगा हो, काम का लगा हो, कुछ नया लगा हो, तो ज़रूर रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, और एक बार यह बनाकर खाना, उसके बाद आप रेगुलर बना के खाएंगे। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।